सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये है खजूरी का फ्लाईओवर और यहां पर पिंक लाइन भी बनाई जा रही है और दूसरी साइड में ये लेफ्ट हैंड में ये देखो ये पिलर है और इस पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ से आज हम चलेंगे खजूरी से लेकर और पाबी पुश्ता दिखाने वाले के पाबी पुश्ता पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का क्या क्या वर्क चल रहा है, कितना वर्क कम्प्लीट हो चुका है, कहाँ कहाँ वर्क चल रहा है, तो वो सब आप इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को देखने के लिए बने रहिए केपी संत के साथ में और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर देखते रहो दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि खजूरी से लेकर और चलेंगे लोनी गोल चक्कर पर और वहाँ तक का आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ कि उस पर क्या कुछ वर्क चल रहा है, क्या वर्क नहीं चल रहा है, वो आप लोग इस वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी ये सेफ्टी बोर्ड बीच में लगे हुए हैं और इन पर पाइल किया जा रहा है और पाइल होने के बाद में फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा, फाउंडेशन बना के पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा, उसके अंदर फिर इसमें कंक्रीट डाला जाएगा, कंक्रीट डाल के पिलर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इस पर लास्ट में पियर कैप बनाया जाएगा दोस्तों। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा उसी तरीके से किया जाएगा, तो देख सकते हैं। और इसमें आपको बता दूँ कि ग्राउंड लेवल पर भी रहने वाला है कुछ पार्ट्स और कुछ इस पर ज़्यादातर तो एलिवेटेड पार्ट है लेकिन कुछ इस पर ग्राउंड लेवल का भी रहेगा इस पाबी पुश्ते पर। तो आप लोगों को दिखाएंगे कि रोड भी स्टैंड कर दी जा चुकी है वहाँ, मतलब लोकल पब्लिक के लिए वो लाइन खोल दी गई है क्योंकि बीच में इस पर अभी वर्क चलेगा तेज़ी के साथ में, तो इस वजह से साइडों में रोड भी बना दी जा चुकी है बीच बीच में। तो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा आगे और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों ने नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड केपी संत के चैनल पर देखते रहो, देख सकते हैं। तो ये मिट्टी डाली जा रही है अभी साइडों में, दोनों साइडों में मिट्टी डाली जा रही है क्योंकि रोड को एक्सटेंड किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि इस रोड को 12 लेन का बनाया जाएगा, 6 लेन का एक्सप्रेस वे हो गया, एक्सिट कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे हो गया 6 लेन का, और 6 लेन का जो एक्सप्रेस वे वो लोकल ट्रैफिक के लिए रहेगा दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर बीच बीच में ही वर्क चल रहा है इस पाबी पुश्ते पर और बीच बीच में ये अभी नहीं चल रहा है, तो दोनों साइड में अभी मिट्टी डालने का ही काम चल रहा है क्योंकि लेवलिंग की जा रही है, कहीं कहीं मिट्टी डाली जा रही है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड पे और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। Thank you.
और ये कॉरिडोर 13,000 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और हमारे अक्षरधाम से स्टार्ट होता है और ये देहरादून जाके ख़त्म हो जाएगा, जो कि इसमें 8 राज्य पड़ते हैं बीच में, यानी कि उत्तर प्रदेश के 8 राज्य आएंगे, और उसमें से है बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर, यमुनानगर और आपका मेरठ, हरिद्वार, और लास्ट में पड़ेगा देहरादून दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें और ऐसे ही वीडियोस देख। देख सकते हैं ये जेसीबी चल रहा है, देख सकते हैं
ये मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है, फिर इस पर ब्लॉक टॉप किया जाएगा। ब्लॉक टॉप कर देने के बाद में देख सकते हैं इस पर ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, लोकल ट्रैफिक खोल दिया जाएगा, ताकि इस जिस पर अभी हम चल रहे हैं इस रूट को बनाया जा सके, क्योंकि इसको 6-6 लेन का करना है ना। एक्सेस कंट्रोल्ड होगा ये 6 लेन का, और 6 लेन होंगे लोकल ट्रैफिक के लिए। तो आगे और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से ये रोड बनाई गई है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो अभी इसके नीचे भी आप लोगों को चलकर दिखाते हैं कि किस तरीके से बनाई गई है, वो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आगे से हम अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि इस रोड को भी दिखाएंगे नीचे उतर के कि वो किस टाइप से बनाई गई है, क्या वर्क चल रहा है, वो आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब। स्टाफ है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये रोड बनाई गई है, और वो ऊपर वाली है पाबी, देखो उसको भी अभी स्टैंड किया जा रहा है। पहले ये बना दिया है आम पब्लिक के लिए, ताकि उस पर कंस्ट्रक्शन चल सके, इस पर आवाजाही हो सके, तो इसलिए ये बनाई गई है, देख सकते हैं। और इस पर अभी एक और ब्लैक टॉप की लेयर डाली जाएगी, अभी तो सिंगल डाली गई है ताकि ट्रैफिक के लिए। तो देखो इस तरीके से इसकी कटाई चल रही है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सारा कनेक्ट किया जाएगा, धीरे धीरे बनता हुआ चल रहा। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पाबी पुस्ता, आगे चल के लोनी चौराहे तक का इसमें देखने के लिए मिलेगा आप सबको। और आप हमें सभी बता देना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करना, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करना, और ऐसे ही अपडेट्स केपी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है दोस्तों। तो देख सकते हैं आगे आने वाला है लोनी गोल चक्कर, और लोनी गोल चक्कर से
आप लोगों को एक तो चला जाता राइट में लोनी के लिए चला जाएगा और लेफ्ट में चला जाएगा बागपत बड़ौद के लिए, और ये शामली होते हुए निकलेगा आपका सहारनपुर के लिए दोस्तों। तो आप लोग हमें बता देना, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि बीच बीच में ही इस पावी पिस्ते पर वर्क चल रहा है अभी, और बीच बीच में अभी कोई वर्क नहीं चल रहा है क्योंकि जैसे जैसे रोड को चौड़ा करते रहेंगे, मतलब नीचे बनाते रहेंगे रोड को, जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा उसी तरीके से फिर इसको स्टैंड करते रहेंगे। तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा, देख सकते हैं ये आ जाता है यहाँ का लोनी गोल चक्कर, इसे लोनी गोल चक्कर बोला जाता है पावी पुस्ता। और यहाँ से अगर पीछे जाते हैं तो हम निकल जाएंगे खजूरी के लिए। तो देख सकते हैं बर्क ये चल रहा है, पिलरों को स्टैंड किया जा रहा है इस टाइम पर। और आप लोग हमें बता देना कि यहाँ से राइट में चला जाता है लोनी के लिए और लेफ्ट में चला जाता है बागपत बड़ौद के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल।